इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड भाई पहला टेस्ट मैच और डे फोर जिस तरीके से इंडिया का एक अनबिलीवेबल कमबैक देखने में मिला 462 रन भाई करके सरफराज की बात करें 150 ऋषभ पंत 99। हाँ मिडिल ऑर्डर की अगर बात करें धमाकेदार खेला लेकिन लोअर ऑर्डर को अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सका 107 रन का टारगेट मिला है। हमने जानना यह आज पाकिस्तानी पब्लिक से क्या इंडिया डिफेंड कर लेगा और इंडिया का जो बैटिंग में कमबैक रहा है मैम सबसे पहले जो ऋषभ ने बैटिंग की जो सरफराज ने बैटिंग की क्या कहते हैं सरफराज खान की बैटिंग डेफिनेटली बहुत आउटस्टैंडिंग नजर आई। वो कहते हैं कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका यहाँ पर सरफराज धोखा नहीं दे हमारे वाला धोखा दे सकते हैं आप वाला नहीं दे सकते पॉइंट ये है बीच में ठीक है। तो आज जो बड़ा धमाका हुआ वो हम लोगों ने देखा भाई 150 की इनिंग आप खेल के गए दैट वाज अनबिलीवेबल एंड मजा आया देख के भाई हमारे आजम खान से हिला नहीं जाता वो थैले से वो गट्टू से और यहाँ पर इनको देखिए ये मतलब इतना कमाल का खेलते हैं एंड यहाँ से पता चलता है कि इफ यू हैव वेट दैट डजंट मैटर यू हैव पैशन फॉर द गेम और जो सिर्फ सरफराज खान का पैशन नजर आया वो कमाल का है। ऋषभ पंत के लिए थोड़ा सा सैड है भाई के 100 होते होते रुक गया एग्जैक्टली आप एक रन करने देते थोड़ा सा तो वो भी खुश हो जाते हैं आज मेरी 100 कंप्लीट हो गया। एंड सेकंडली आपने बात किया कि इंडिया ने कमबैक किया है इंडिया ने जैसा कमबैक किया है वो अनबिलीवेबल है क्योंकि लोग 90% यही कहते थे कि जो मैच है वो न्यूजीलैंड जीत चुका है इंडिया कमबैक नहीं कर पाएगा और सीरियसली 46 पर जब इंडिया के ऑल आउट हो गए थे एंड न्यूजीलैंड इतना पहाड़ जैसा एक टारगेट लाकर रख दिया था उसके बाद तो आप सोच भी नहीं लेकिन मेरे ख्याल में विराट दोबारा आए रोहित शर्मा वापस आए जयसवाल वापस आए उसके बाद क्या लेकर ऋषभ पंत वापस आए इतने कमाल की इनकी परफॉर्मेंसेज हमें देखने को मिली। एंड सेकंडली अगर बात की जाए बॉलिंग लाइनअप की तो बॉलिंग लाइनअप भी बहुत ज्यादा कह लें कि एक अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दिया। आप जडेजा की बात करें आप कुलदीप यादव की बात कर लें तो मेरे ख्याल में इंडिया के पास एक पूरा कॉम्बो आपको नजर आएगा जैसे यहाँ पर कहते हैं कि पराठे का अच्छा कॉम्बो मिल रहा है वहाँ पर टीम इंडिया के अच्छे कॉम्बोज मिल रहे हैं। आप कमबैक इंडिया ने किया इसको ग्रेटेस्ट कमबैक्स में कहां देखती है कि 46 से 662 पे जाना भाई यार ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट से भी ग्रेटेस्ट कमबैक आपको नजर आता है क्योंकि आई थिंक यहाँ पर अगर पाकिस्तानी टीम होती तो वो कहती है भाई ठीक है मैं जा रहा हूँ ठीक है अल्लाह काम खत्म टाटा बाय बाय मेरा काम खत्म हो गया यहाँ पर और यहाँ कहते हैं ये लोग आप इंडिया को देख के लेते हैं कहाँ से आते हैं ये लोग ठीक है इतना अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं स्पेशली सीरीज़ली आपने कहा कि 107 का टारगेट है तो आई होप सो कि अगर इंडिया 46 पर आउट हो सकते हैं ना तो वो न्यूजीलैंड को भी पकड़ सकता है। कल बुमराह चलेगा कुलदीप चलेगा जडेजा चलेगा कल किसका जादू चलेगा I'm hoping कि अटैकिंग हमेशा बुमराह करता है आके तो बुमराह का जो अटैक है वो आउट ऑफ द वर्ल्ड होना चाहिए कि इतना अच्छा अटैक करे कि भाई कंसेक्टिव आई थिंक से उसको विकेट निकालनी चाहिए एंड ही विल उसका पता नहीं चलता है कि वो कब क्या करने वाला है एंड उसका जो स्टाइल है वो बड़ा यूनिक है ठीक है। एंड सेकंडली अगर बात की तो मेरे ख्याल में अश्विन उसे बहुत इट विल बी द फाइनल रिजल्ट्स की कौन जीतने वाला है कौन नहीं टारगेट नो डाउट बहुत कम है लेकिन आई थिंक सो कि इंडिया का जो जज्बा है ना अपने कह लेंगे नेशन की तरफ या अपने पैशन है जो उनका वो उसको लेकर कुछ भी कर सकते हैं एंड डेफिनेटली हम कहते हैं कि इंडिया जॉइंट्स हैं इंडिया मॉन्स्टर्स हैं इंडिया इज अ फादर ऑफ क्रिकेट तो जो फादर ऑफ क्रिकेट मैदान में उतरते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सोच के ही मैदान में आते हैं वैसे मुंह उठा के मैदान में नहीं आ सकते हैं तो मैं यही उम्मीद करी कल का हैंड क्रॉसेस है और आज भी मतलब कि ये जो टेस्ट मैच हमने देखा ना ये दिल पे पत्थर रख के देखे सीरियसली इतने हार्ट अटैक्स इतने दोस्तों हम लोग देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट रिएक्शन वीडियो उन्हें वीडियो से वीडियो लिया गया है जब ऐसा कि आप जानते हैं इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच मैच बहुत जबरदस्त खेला जा रहा है। इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले इनिंग में मात्र 46 रनों पर सिमट गई थी उसके जवाब में न्यूजीलैंड ने 404 रन बनाई थी। पहली पारी में इन इंडिया ने जबरदस्त वापसी करते हुए दूसरी चार डे ने ज्यादा रन नहीं दे पाई है यू को मात्र 4107 रन का लक्ष्य दे पाई है यू को क्योंकि इंडिया पहली पारी में ज्यादा रन नहीं बन पाई थी इसीलिए बहुत पीछे रह गई है रन रेट में और यही कारण है कि लगता है इंडिया इस मैच को हार जाएगी। आपका क्या राय है कभी नहीं जरूर लिखेगा। अभी तक चैनल बनाया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते हैं वीडियो में आगे। और जैसे उसने विराट कोहली और पंत के साथ उसने पार्टनरशिप की यार आउटस्टैंडिंग कमाल ये आप देखे भाई वो बंदा इतने बड़े बड़े प्लेयर उसके साथ खेल रहे हैं यार रोहित और विराट उसने भाई इंडिया का जो साथ दिया ना और जो
मतलब भाई आप देखें यार, वो नया नया लड़का, अभी तीन चार उसको अभी हुए मैचेस हुए हैं और उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ 150 खड़का दिया भाई हमारे इधर, वो भी मोस्ट क्रूशियल मैच भाई मो बिल्कुल। और हमारे इधर जो बड़े बड़े प्लेयर थे वो नेपाल के खिलाफ खड़काते हैं 150 भाई, तो उसके बाद आप सरफराज की बैटिंग में क्या कहते हैं? सरफराज की इन्होंने कहा नया नया जरूर है, लेकिन वो ये देखें वो खेल के किन के साथ है, रोहित शर्मा विराट कोहली के साथ खेल के उनके कहने सीनियर उस्ताद वही है और गाइड किया उन्होंने, गाइड किया हुआ है उनके गाइडेंस के बगैर सरफराज इतना कभी भी नहीं खेल सकता था। और दूसरे नंबर पे इंडिया ने पहले दिन कह लें कि अगर पिच की नहीं समझ आई और न्यूजीलैंड को बताया कि ठीक है न्यूजीलैंड के साथ, न्यूजीलैंड अच्छी टीम है, ये नहीं कहते न्यूजीलैंड टीम वीक है, नहीं अच्छी टीम, अच्छी टीम है, लेकिन इंडिया आगे कह लें नंबर वन है, चैंपियन है, नंबर वन रहने वाली टीम और टफ का मैच होगा और पता चलेगा अगर इंडिया हारेगा भी सही ना तो कह लें कि पता चलेगा लड़के हारा और शेर की तरह लड़ेंगे, एक दो से हारेगा और जितना आगे डिफरेंट आ गया था उस दिन तो वाकया हम भी कंफ्यूज हो गए थे कि यार ये कहां पे आ रहा है, इंडिया कहां पे आ रहा है, जीरो पे जा रहे हैं, चार तो उनके कह लें कि बैटर जो चल ही नहीं पाए सर, नहीं बुमराह, बुमराह की बात स्पेशली करते हैं कल के दिन में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर नाउ इन दिस गेम, ठीक है अगर बुमराह चल गया ना, अगर बुमराह की गेंद घूम गई ना तो भाई न्यूजीलैंड के चुक्के बाहर मारेगा, ठीक है, ठीक है ना भाई, अगर बुमराह गेंद घूमगी ना तो न्यूजीलैंड को आप देखिएगा वो कहां कहां फेंकता फिर न्यूजीलैंड भी घूमेगा भाई, फिर न्यूजीलैंड भी घूमेगा भाई, सबसे इम्पोर्टेंट है बुमराह भाई, उसके बाद उसका टेरर तो हर टीम पे ही है ना पूरी दुनिया में भाई, उसने वर्ल्ड कप में कहां कहां नहीं परफॉर्म किया, मनवाया वसीम अकरम कहता भाई अगर मेरे बाद कोई है ना इस लेवल का तो भाई वो बुमराह, अब ऑब्वियसली बुमराह की गेंद घूमगी तो भाई न्यूजीलैंड को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद भाई सिराज, कुलदीप, जडेजा, अश्वन, यार बुलाएं पड़ी हैं वो न्यूजीलैंड के लिए इतना आसान भी नहीं है, अगर वो जीत सकते हैं अगर उनके चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है, लेकिन वो इतना आसान भी नहीं है, अगर इंडिया 46 पे आउट हो सकते तो न्यूजीलैंड 107 पे क्यों नहीं, बिल्कुल डिफेंड हो सकते हैं सर, अश्वन ज्यादा, अगर आज न्यूजीलैंड का देखें ना उसके कैप्टन के चेहरे का तसार देखें कि वो उसका क्या था, एकदम रंग उड़ गए थे, रंग उड़ गए थे, ठीक है। इंडिया बुमराह कह लें कि आगे तीन डे नहीं चल पाया, लेकिन बुमराह का अब कमबैक बहुत अच्छा होगा, बुमराह की बॉलिंग और स्विंग होगी और बुमराह विकेटें कल लेगा और आप देखेंगे, अच्छा बुमराह का विकेट लेगा, चले बताएं कि स्पिन में से अश्वन, जडेजा और कुलदीप में से एक लड़के को उठाएं कि ये पांच आउट करेगा, अश्वन करेगा, अश्वन करेगा, अश्वन, सर कुलदीप भी हल्का नहीं है, पहली इनिंग में तीन भी हल्का नहीं है, लेकिन अश्वन तो अश्वन है, मतलब दोनों का अश्वन है, अश्वन इस टाइम कह लें कि जिस तरह पीक चल रही है अश्वन मुझे लगता है वो लोग करेगा, हमने देखी है ना तो हमारा दिल तो खुश हो गया, यहाँ T20 की बात ऐसा लग रहा था कि ये टेस्ट नहीं बल्कि T20 है, यहाँ पे जिस तरह से सरफराज ने खेला और चौके तीन छक्के भाई अंदाजा लगाए, और इसी तरह अगर हम ऋषभ पंत की बात करें पांच छक्के और जिस तरह से चौके छक्के लगे हैं जनाब बड़े जबरदस्त देखने को मिले हैं और सिर्फ एक रन से बेचारा आउट हो गया, मैं कहता हूँ सेंचुरी देखना चाहता था, लेकिन देखे 105 बॉलों पर भाई ऐसे तो लग रहा था T20 खेल रहा है तो क्योंकि आपको पता है कि यार इतनी कम बॉलों पे और इतना जबरदस्त खेल गया भाई कमाल है, ठीक है। और यहाँ पे हम इंडिया की बात करें, इंडिया की बाकी यार जिस तरह से उन्होंने फर्स्ट इनिंग में 46 रन बनाए और दूसरी इनिंग में जनाब उन्होंने 462 रन बना दिए, इससे अंदाजा लगता है कि कहीं आप जमीन पे गिरे हैं कभी, देखें न्यूजीलैंड का एक दिन तो हो सकता है, न्यूजीलैंड का मैच नहीं हो सकता, न्यूजीलैंड की सीरीज इंडिया कमबैक करेगा, हां बैटिंग में करके कमबैक किया भी है, आपने देखा नहीं है, देखें 462 रन कैसे कमबैक किया, ये कमबैक ना होता तो आप बताइएगा स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक करके वापस आया ना, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एवर, तो यही तो बात है, अब ये बॉलिंग में भी इसी तरह का स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक होगा और जब ये होगा तो अंदाजन दुनिया देखेगी यार 107 रन पे पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज जैसे मैच में जनाब उनको ढेर करना, हम तो इस पर बिलीव करते हैं और हमें भी यकीन है कि यार इंडिया जो है ना कहीं अपनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग के साथ जो है मैदान में उतरेगा और चौके सपोर्ट कल किसको करेंगे, क्या गोरों को सपोर्ट करेंगे या एशियंस को सपोर्ट, भाई गोरों को क्यों करेंगे, क्यों करेंगे गोरों को, गोरे तो हमारे दुश्मन है भाई, वो तो हमारे, हम तो अपने एशिया में रहने वाले लोगों को ही सपोर्ट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे इंडिया को सपोर्ट करेंगे, जहाँ पे भाई इंडिया की बॉलिंग की बात करें और बैटिंग की बात करें, इंडियन प्लेयर्स की बात करें, भाई विराट कोहली जैसा और रोहित शर्मा जैसा प्लेयर जब टीम के अंदर शामिल हो तो यकीनन हम उसी टीम को सपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम विराट कोहली की बात करें तो भाई आपने देखा उसने भी बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है।